आपके साथ आपकी मेजबान उरफाना मुनीर। नाजिन आपको बता दे कि जिला पुंछ की तहसील मंडी में पिछले कई दिनों से बिजली आंख मचोली की वजह से आवाम हुई परेशान। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक शेख की ये स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि तहसील मंडी के ब्लॉक लोरन की बात करें या फिर सौवजक की बात करें या फिर सातरा की बात करें, जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि बिजली की आंख मचोली से आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तहसील मंडी की बात करें जहां पर लगातार देखने को मिल रहा है कि बिजली आवाम को वक्त पर फराहम नहीं होती है, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आवाम का कहना है कि पिछले एक महीने से तहसील मंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली वक्त पर आवाम को जो है नहीं मिल रही है। वक्त पर आवाम को बिजली नहीं ना मिलने से काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो तारिक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक आपने बिजली के रिलेटेड मुझसे पूछा है, लाइट के रिलेटेड पूछा है, सबसे पहले तो मैं अफसोस से एक बात कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के खुद के जम्मू कश्मीर में खुद की अपनी बिजली जो है वो बनती है, बल्कि यहाँ से बनने के बाद जो है बाकी रियासतों में भी जाती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा और दुख का इजहार करते हुए कैमरे के आगे ये बात ज़रूर मुझे कहनी पड़ेगी कि आज डिजिटल के दौर में भी हमारे लोगों को जो है जो लाइट की तंगी आ रही है। हमारे यहाँ पर तहसील मंडी की अगर मैं बात कर लूँ, तहसील मंडी में इस कदर लाइट होती है कि हमें टॉरिस से जो है वो बल्ब ढूंढना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमारी इस लाइट की बदहाली को जो है वो ठीक किया जाए और अच्छे मुकम्मल तरीके से जो है लोगों को लाइट फराहम की जाए। अगर मैं बिल के हवाले से बात करूं, बिल जो है लोगों का पूरा आना है महीने में, अगर महीने में एक भी दिन चढ़ जाता है तो उसका टैक्स हमारी गरीब आवाम को जो है वो देना पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर यूटी इंतजामिया की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर निकले कि आपके रोड साइड के ट्रांसफार्मर जो है वो 2 घंटे के अंदर बदले जाएंगे, जो गांव दूर दराज गाँव में वो 8 घंटे में बदले जाएंगे, आज भी मुझे कहना पड़ता है कि हमारे ट्रांसफार्मर जो रोड साइड हैं वही महीनों महीनों नहीं बदले जाते। आज भी हमारे लोगों के पास जो है पोल नहीं है, लकड़ी के खंभे हैं, क्रेट वाली तार बांध कर जो है वो लाइट अपने घर लेके गए हैं और गवर्नमेंट को किराया जो है वो पूरा अदा कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जहाँ तक तहसील मंडी की डिस्ट्रिक्ट पुंछ की मैं बात करूँ, ये सरहदी इलाका है, यहाँ पर सर्दी जो है बड़ी शिद्दत की सर्दी, यहाँ पर बर्फबारी भी होती है। तो इस बार तो अभी पड़ी नहीं लेकिन पड़ने वाली ही है, जब यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है बड़ी शिद्दत की सर्दी यहाँ पर आती है। और अफसोस से कहना पड़ेगा मुझे कि यहाँ पर अगर बारिश की एक बूंद गिर जाए तो महीनों लाइट जो है वो गायब हो जाती है, लेकिन बिल जो है वो लोगों को अदा करना पड़ता है। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि ये सरहदी इलाका है, गवर्नर के साहब की तरफ से जो है वो आर्डर भी निकाले गए थे कि आपने जो है 15 से लेकर 18 घंटे तक लगातार लोगों को लाइट देनी है, लेकिन अफसोस से वो 18 घंटे 15 घंटे जो हम लाइट यहाँ पर जो है वो नहीं देख पा रहे हैं। हमें लाइट जो है सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटे हद हो गई, 3 घंटे हमारे यहाँ पर लाइट होती है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा हमें लाइट प्रॉपर तरीके से जो है वो दी जाए और प्रॉपर तरीके से जैसे आप किराया ले रहे हो इसी तरीके से हमें लाइट जो है हमारे लोगों को फराहम की जाए। कि जब भी सर्दी का मौसम शुरू होता है यहाँ पे जो है लाइट जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती। जब भी ये सर्दी का मौसम छोड़ के बाहर में भी मंडी के लोगों के साथ यही नाइंसाफ़ी होती है, लाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। मेरी यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश है कि यहाँ पे मंडी हो, सावजियाँ हो, लोरेन हो, यहाँ पे 2-2, 4-4 फुट बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ के लोग जो हैं वो लाइट से महरूम रहते हैं, कि इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ के लोगों को जो है वो लाइट जो है वो मुहैया किया जाए। लाइट की बहुत सख्त किल्लत है। ब्लॉक लोहरन की बात अगर की जाए, ब्लॉक सातरा, ब्लॉक मंडी की बात की जाए तो लाइट जो है बिल्कुल कमज़ोर है। PDD महकमे को तो हम ऑलरेडी इधर से पैसे कटवाते हैं, हर फंड में से हम पैसे कटवाते हैं, लेकिन उनके बुनियादी सहूलियात फराहम नहीं की जाती है। मैं ज़िला इंतज़ामिया तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं आपकी चैनल की वसा से, ताकि हमारी लाइट पे तवज्जो दिया जाए, आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम किया जाए। बहुत असर पड़ता है बच्चों की पढ़ाई पर, जो मतलब ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासें लगती है, उनके मोबाइल टेलीफोन जो है चार्ज नहीं हो पाते हैं, बिल्कुल ही नहीं। बारह कई बार कहा है कि जैसे अलोरन हो, सावजियाँ हो या कि मंडी हो, जहाँ काफ़ी दिनों से पिछले 1-1.5 महीने से जो है लाइट की आंख मचोली जो है बहुत देखने को मिली, जैसा कि लाइट होती ही नहीं है, जो शेड्यूल के हिसाब से भी नहीं होती और रात को लाइट नहीं छोड़ी जाती। खासकर
हमारे ब्लॉक लोहर में और मंडी तहसील, हमारी तहसील मंडी में जो फार फ्लाइंग एरिया है, इसमें जो अशद दूर की जो के लाइट की है वो लाइट टाइम पे नहीं होती। और साथ ही साथ में जो हमारे गरीब लोग हैं, जिन लोगों को बिल्स डाले गए हैं 450, किसी को 210 रुपये, जहाँ तक इस लाइट का जो किराया है वो बढ़ाया गया है, जब से लाइट का किराया बढ़ाया गया और दूसरी तरफ से लाइट जो है वो गायब है। आपको भी सुना कि मंडी की आवाम किस तरह से परेशान नज़र आ रही है। मंडी के अगर हम बात करें, मंडी के इलाका लोहरन की या फिर सावजा की या फिर मंडी सासरा की, जहां पर आवाम को वक्त पर बिजली नहीं मिल रही है, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बाखूबी सुना कि किस तरह नौजवानों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। नौजवानों का कहना है कि वक्त पर बिजली ना मिलने पर आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि अभी ना ही बारिशें हैं ना ही बर्फ़ है, आज से ही बिजली की आँख मचोली शुरू हो चुकी है। पिछले एक महीने से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। ज़िला तरक्याती कमिश्नर और PDD डिपार्टमेंट के आला अफसरान से अपील की जा रही है कि मंडी की तरफ ध्यान दें, मंडी में लाइट जो है वक्त पर फराहम नहीं हो रही है। मंडी की आवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों के तालीम पर असर पड़ रहा है। इन्होंने ज़िला तरक्याती कमिश्नर से अपील किया कि जल्द अज़ जल्द मंडी की तरफ ध्यान दें, और ज़िला तरक्याती कमिश्नर से अपील किया कि PDD डिपार्टमेंट के अफसरान को मुतरक करें ताकि मंडी के आवाम को मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे तारिक शेख, जो कि इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके थे। मजीद तफसीलात से आपको आगाह कराया। आप जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ दरियल कश्मीर न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।